वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारी मौतें हो गई अभी तक, और इंडियन गवर्नमेंट भी अपने बंदों को एयरलिफ्ट कर रही है। अलवर में कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर, और काफ़ी इफ़ेक्टिव वायरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है। और काफ़ी सारा, मतलब जो वुहान सिटी से निकला था, ये लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो ये फैल सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज ऑलरेडी हमारे देश के कुछ लोगों के पास में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, वो देखने भर से ही और बात करने भर से ही या सिर पे हाथ रखने भर से ही लोगों के अंदर की जो बुरी आत्माएं हैं उनको निकाल सकते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से थी। तो कोरोना वायरस तो बड़ी छोटी सी बात है। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे, कितने पावरफुल हैं वो क्रिश्चियन पास्टर हैं, जो देखते ही। एक वीडियो मैंने देखी थी, वो मुझे मिली नहीं, पर मैं वो आपको जरूर दिखाता, कि बजेंद्र सिंह नाम का एक पास्टर है, उसने एक औरत के अंदर से 35,000 आत्माएं एक सेकंड के अंदर निकाल दी। उसकी कुछ वीडियो भी मेरे पास में पड़ी हुई हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं कहना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं उनके लिए गोल्डन चांस है अपने आप को प्रूफ करने का। जो भी उन पर एलिगेशन लगते हैं वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं वहाँ पर, और ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई उन पर एलिगेशन लगाए। तो ये मौका है उनके लिए, गोल्डन चांस है, सुनहरी अवसर है, कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि हम लोग झूठे नहीं हैं। तो मैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो दोस्तों शेयर करें और किसी पास्टर तक पहुंचाएं। आपको मैं कुछ क्लिप दिखाता हूं कि बिल्कुल भी निराश ना होए भारत देश की जनता, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो तो अभी ढूंढ रहे हैं, पर इनके पास ऑलरेडी है 5-10 सालों से, जब से ये एक्टिव हुए हैं समाज के अंदर। तो इन लोगों के पास में ये माथे पे हाथ रख के किडनी ठीक कर लेते हैं, और कुछ वीडियो है मेरे पास में, मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रूफ भी करूंगा। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं पहली वीडियो। अरे तो भय मालिक है इधर पड़ेंगे, ये பாருங்க இந்த டிவிடி பிடிச்ச உடனே எவ்வளவு பவர் இறங்குது பாத்தீங்களா? இந்த வருஷத்து முதல் டிவிடி தான், இதுல பயங்கர பவர் இருக்கு. தேங்க்யூ ஜீசஸ், ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் கிருபை. இப்ப அங்க எழுமணும்னு சொல்ல दोस्तों, आपने देखा फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो ये एक ईसाई पास्टर है, हमारा भाई है, अंकल जी है, जो भी हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने मरीज के हाथ में डीवीडी पकड़ाई, मतलब उनको टच भी नहीं किया, मतलब इन्होंने, इनके पास कोई ऐसी रूहानी ताकतें हैं कि इन्होंने डीवीडी के अंदर वो डाल दिया। क्या पता कि वो उसको हाथ लगाते तो वो भस्म हो जाता, हो सकता है इनके पास में इतनी पावर हो। तो इन्होंने डीवीडी के जरिए उस औरत का जो प्रॉब्लम थी शरीर की, वो निकाल दी। तो कोरोना वायरस तो क्या है, उसको छुए बिना अगर वो उसकी ज़िंदगी भर को, उसकी ज़िंदगी सुखी कर सकते हैं, तो कोरोना वायरस तो ये आराम से निकाल लेंगे। तो मैं इनसे अपील करता हूँ और इनके जो फॉलोअर हैं उनसे अपील करता हूँ कि कृपया करके इनका नंबर हमें दें, ताकि हम सरकार की और जो बेचारे लोग फंसे हुए हैं कोरोना वायरस में, उनकी मदद कर सकें। उनके पास भी अपने आप को प्रूफ करने का ये सुनहरी अवसर है, गोल्डन चांस है। दूसरी वीडियो में आप पहले देखें वीडियो एक बार। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் இந்த பகுதியிலே ஒரு இச்சையை வைத்து வேசித்தனத்தையும் விபச்சாரத்தையும் செய்ய வைக்க திட்டமிட்ட ஆவியே, இந்த அசுத்த ஆவியை அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் இந்த பகுதியிலே
ஒரு இச்சையை வைத்து வேசித்தனத்தையும் விபச்சாரத்தையும் செய்ய வைக்க திட்டமிட்ட ஆவியே இந்த அசுத்த ஆவியை பிடுங்கி எடுக்கிறேன். ஜெசே செகண்ட் வாலி வீடியோ மே தேகா அபி கி வோ ஜோ பாஸ்டர் ஹே உஸ்னே ஜோ பிரேத் சே பீடித் ஹே பந்தா ஜோ பூதோ சே கிரா ஹுவா ஹே ஜிஸ்கே ஷரீர் பே பிரேதோ நே கப்ஜா கியா ஹுவா ஹே உஸ்கே பிரைவேட் பார்ட் கோ பகட் கே உஸ்கே குப்தாங் கோ ஹாத் லகா கே உஸ்னே வா சே ஆத்மா பாஹர் நிகால் தி ஆப்னே தேகா வீடியோ மே தோ அப் ஆப் தேகோ கி ஏக் தோ டிவிடி தேகர் ஏக் தோ பினா சூவே ஓர் சூகர் பி மத்லப் கோய் பி தரிக்கே சே யே யார் மேரி ஏக் பாத் சுனோ दुनिया के अंदर सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, आत्माएं, बाकी बीमारियां उनके नीचे हैं. तो जब ये आत्मा निकाल सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों से शरीर के, तो कोरोना वायरस तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए. मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में ही अगर इनमें कुछ है तो ये प्रूफ करें इनके पास गोल्डन चांस है और मेरे जैसे लोगों के मुँह पर ताला लगाएं. तो ये उन भाई साहब ने उसको किसी जगह से पकड़ा, वहाँ से पता नहीं कितनी आत्माएं बाहर निकाल दी खड़े खड़े, और वो बंदा मूर्छित होके बेहोश होके गिर पड़ा. उसको संभाल रहे हैं लोग, तो मतलब मिरेकल जैसे है, मेरे देखने में तो मिरेकल लगता है. तो ये तो छोटी सी बात है कोरोना वायरस, तो है ना. तो अब आप थर्ड वीडियो देखें एक बार. अब दोस्तों आप देखो, फर्स्ट वीडियो में डीवीडी पकड़ा के है ना उनकी जिंदगी भर की मुश्किलें हल कर दी, उनका सारा जीवन सुखी कर दिया. दूसरी वीडियो में गुप्तांग से आत्मा निकाल दी बाहर, उसको छूकर जहां से मर्जी भी उन्होंने किया. लेकिन बजिंदर सिंह को आप देखो, जो तीसरा अभी आपने वीडियो देखी है, उसने तो हाथ भी नहीं लगाया. तो अब आप सोचो कि मतलब क्या कह सकते हैं यार, है ना. बिना हाथ लगाए 50-60 लोग थे जो खड़े थे, 30-40 लोग जितने भी थे, उन सबके अंदर से उसने आत्माएं खींच ली. यार आत्मा सबसे बुरी चीज़ है दुनिया के अंदर. आत्माएं को तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं निकाल सकते. तो ये तो बिल्कुल पास से हवा के झोंके की तरह निकले और सारी आत्माएं बाहर निकाल ली. तो इनके लिए कोरोना वायरस बीमारी क्या चीज़ है. तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों की अब सख्त जरूरत है अपने आप को. और जो भी आप पे एलिगेशन लगते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि आप लोग फ्रॉड हो, आप बेवकूफ़ बनाते हो, आप झूठे हो, मकार हो, फर्जी हो, है ना, और कन्वर्टेड टट्टू हो, जो भी ऐसे लोग बोलते हैं, उनके मुंह पे लॉक करने का, उनकी ज़ुबान बंद करने का, उनकी बोलती बंद करने का, इससे बढ़िया मौका अवसर आपको नहीं मिलेगा. तो मेरी आप लोगों से और सभी मेरे जो भाई हैं उनसे विनती है कि जो जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो इन तक वीडियो पहुंचाएं. देश को, सरकार को, हमारे लोगों को, और दुखी लोगों को, कहते हैं कि हम दुखी लोगों के मसीहा हैं, तो दुखी लोगों को इनकी ज़रूरत है. और कृपया करके वो अपना योगदान डालें लोगों को ठीक करने में और हमको रास्ता दिखाएं कोरोना वायरस से बचने का. और मेरे हिसाब से उनके लिए गोल्डन चांस है, इससे बढ़िया अवसर उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का. तो जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में, अपने सुझाव देना और इनसे कॉन्टैक्ट करना या मेरी बात कराना. मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनके साथ अपने हाथ भी जोड़ लूँगा. लेकिन हो सकता है कि हमारे देश के कुछ लोग, मासूम लोग बच जाएँ. तो इनके पास रूहानी ताकतें हैं, इनके पास में इलाही ज्ञान है, इलाही ताकतें हैं. डायरेक्ट करेक्शन कहते हैं ना कि हमारा ऊपर गॉड के साथ में. तो ये एक तो डीवीडी देकर इन्होंने निकाल दिया, मेरे हिसाब से कोई खास बात नहीं होगी कोरोना वायरस इनके लिए. और दूसरा वो दूसरी जगह से कहीं पे किसी चीज़, मतलब आप समझ आ रहे हैं आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे. और तीसरे भाई साहब ने तो, बजिंदर सिंह ने तो पास निकल के छुआ तक नहीं. तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप सुनहरा अवसर है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं कि आप झूठे हो, लुच्चे हो, गवार हो, फर्जी हो, ढोंगी हो, मतलब मैं नहीं कह रहा, जो लोग कहते हैं ऐसा, है ना, उनके मुंह पे ताला मारने का सबसे बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है. तो आप अपने आप को प्रूफ करें आप.
और मेरे जैसे लोगों को गलत साबित करें। और भाई जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचा देना और अपने ओपिनियन और कमेंट्स अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे देना मुझे। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।